आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D इंट्रो किस तरीके से बनाएं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये 3D इंट्रो है और इस तरीके का आप इंट्रो अपने YouTube चैनल के लिए किस तरीके से बना सकते हैं, आज की वीडियोस में हम सीखने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास कई सारे इंट्रो हैं, तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके का इंट्रो आप किस तरीके से बना सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप कोई ब्लॉगिंग करते हैं तब आप इस तरीके का इंट्रो किस तरीके से बना सकते हैं फ्री में और अपने ही मोबाइल से, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अपनी ईमेल आईडी से यहां पर आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लॉगिन हो जाता हूं, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो आपके मोबाइल में है ईमेल आईडी, उसी पर आप लॉगिन हो सकते हैं इस पर सिंपली क्लिक करके। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। आपको लॉगिन हो जाना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये टेम्पलेट हैं, ये आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। आपको अगर नहीं आती है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे कि टेम्पलेट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा एक तो पेज रिफ्रेश हो गया, दोबारा आ जाएगा यहाँ, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सिंपली आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी इंट्रो बनाना है वो आप यहाँ से इंट्रो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये सारे के सारे फ्री वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इनमें से मैं कोई भी एक इंट्रो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब इसी को हम किस तरीके से बनाएंगे, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है कस्टमाइज का, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऊपर में आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद में आपको लास्ट नेम, और आपको इस तरीके से डालना है जैसे कि अगर आपके यूट्यूब चैनल का नाम बड़ा है तो आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है इस तरीके से, और सेकेंड नेम, ठीक है। अगर कोई थर्ड नेम है तो थर्ड नेम डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में हम यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको नहीं डालना है, लास्ट में हम डाल देंगे अपने YouTube चैनल का पूरा नेम, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिला है एड यू ऐड, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करके यहाँ से आप ऐडियो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनमें से हम कोई भी ऐडियो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैं ये ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद में आप प्ले करके भी यहाँ से देख सकते हैं, चलिए मैं प्ले करके देखें। अगर आपको ये पसंद आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन मिल जाता है रिमूव का, ये वाला, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक करके अब यहाँ पर ऐड ऑडियो, इस पर हम दोबारा सिंपली टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको क्लासेस हाई एनर्जी, तो हम हाई एनर्जी पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग आ जाएंगे, इनमें से आपको किसी को भी ऐड कर लेना। चलिए मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद में आपको, आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ से हम क्वालिटी सिलेक्ट कर लेंगे 720, ठीक है। चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है सबमिट ऑर्डर, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे ऑर्डर पर। तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड इंतज़ार कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको इस इंट्रो का लाइसेंस मिल जाता है, इसमें लिखा है कि आप YouTube पर अपने वीडियो में से ऐड कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए वीडियो के लिए इजीबल है, ठीक है। आप इस, जैसे कि इस वेबसाइट का यूज इसलिए नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आप चाहते हैं हम इंट्रो बना बना के खुद से बेचें, ठीक है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसकी जो पॉलिसी है आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तब, नहीं पढ़ना चाहें तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। तो नीचे में आपको देखने को मिल गया है व्यू माई ऑर्डर, और ऊपर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है व्यू माई ऑर्डर, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, इनमें से किसी को भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली हम ऑर्डर पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, आपके सामने जो भी आपका ऑर्डर होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसे प्रूव पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं जो आपका ऑर्डर है वो किस तरीके से बना है। ठीक है, तो जो आपका इंटरनेट है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए, तभी आप ये सारे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ों को प्ले करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे चैनल का नेम वगैरह भी सब कुछ आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ में अब आप देख पा रहे हैं सुनील 2024, इस तरीके का इंट्रो आप यहाँ से बना सकते हैं फ्री में। चलिए हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं। इसे डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है डाउनलोड एंड शेयर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर मिल जाता है HD, ठीक है, HD, तो इस पर आपको क्लिक करना नहीं है। यहाँ पर मिल रहा है HD डाउनलोडिंग, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप क्रोम से कर रहे हैं तो क्रोम के ऑप्शन में आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आप लैपटॉप PC से कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये कम से कम 4 से 5 MB का इंट्रो होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये HD क्वालिटी इसमें होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे अच्छा है अगर आपके एक न्यू यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तब। और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे प्ले करके देख सकते हैं जो हमारा इंट्रो है वो किस तरीके से बना है। तो आप देख पा रहे हैं कितना मस्त लग रहा है। तो इस तरीके से आप इंट्रो बना सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, जैसे कि चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, टेम्पलेट, ठीक है, ये ऑटोमेटिक टेम्पलेट पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप और भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारे इंट्रो मिल रहे हैं। ठीक है, और आप कुछ पैसे यहाँ पर खर्च कर देते हैं तो पेड इंट्रो भी बना सकते हैं। नीचे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं पेड, ठीक है, तो आप यहाँ से पेड भी इंट्रो बना सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है या कुछ भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।